NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Programme presents Board Results Improvement Initiative with Star Teachers of Faridabad. Hello dear students, आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का. हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेन रीडर हमारी फर्स्ट फ्लाइट है ये सेक्शन डी में आती है हमारे इंग्लिश के पेपर में और 23 मार्क्स में आती है. प्रोज टेक्स्ट के नाम से 23 मार्क्स का ये सेक्शन. इसमें हम करेंगे अब हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिखी गई है लायम ओ फ्लाहर्टी द्वारा. तो बहुत इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन है कि चैप्टर का नाम दे देंगे और राइटर का नाम पूछ लेंगे. तो हिज फर्स्ट फ्लाइट ये हमारा चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक का लायम ओ फ्लाहर्टी द्वारा लिखा गया है. अब हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल इसकी समरी. समरी के अंदर हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में उनको आंसर करने में मदद करेंगे. तो चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और ये लायम ओ फ्लाहर्टी ने लिखी है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल. तो एक यंग सीगल है, जैसा आप देख सकते हैं ये यंग सीगल उड़ रहा है. तो ये उसके उड़ने से संबंधित एक कहानी है क्योंकि यंग सीगल छोटा सा सीगल है जो कि उड़ना नहीं जानता है और घबराता है उड़ने से. लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट तो हम बात करेंगे कि कैसे वो पहली बार उड़ता है. ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ही थॉट दैट हिज विंग्स वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट हिम. तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यंग सीगल उड़ रहा है लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में वो डरता है उड़ने से. यंग सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है फ्लाई करने के लिए क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके जो विंग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि उसका वजन उठा पाए और वो जब विंग्स फ्लैप करे मतलब अपने पंख फड़फड़ाए तो वो उड़ पाए. तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है. ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिम. तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसको छोड़ देते हैं कि भाई तू ट्राई कर. दे ट्राई टू एंकरेज हिम टू फ्लाई बट फेल्ड. क्योंकि वो सारे ट्राई करते हैं कि यंग सीगल को वो एंकरेज करें, उसको सपोर्ट करें कि फ्लाई करो, लेकिन वो फ्लाई नहीं करता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है. तो इससे परेशान होकर उसके फैमिली मेम्बर्स उसको अकेला छोड़ देते हैं, भूखा छोड़ देते हैं ताकि वो उड़ने का इम्पोर्टेंस सीखे और अपने प्रे को PREY मतलब अपने शिकार को खुद ढूंढ पाए. ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज. लेज मतलब पहाड़ का कोने की एक जगह है जहाँ पे उसको छोड़ दिया है ताकि वहाँ से उड़ना उसके लिए आसान हो. देर वॉज अ वाइड कैज्म बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स. कैज्म का मतलब होता है बीच में गैप था, मतलब खाई थी. तो खाई के एक तरफ उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली है मतलब उसके भाई बहन और उसके माता पिता, और दूसरी तरफ इस यंग सीगल को छोड़ दिया गया है. तो अब उसे अगर फैमिली के पास जाना है तो उसे खाई के ऊपर से उड़कर ही जाना होगा. तो ये सब फैमिली इसलिए कर रही है ताकि वो उड़ना सीखे. ही ट्राइड टू रीच हिज पेरेंट्स एंड टुक अ लिटिल रन बट द साइट ऑफ वाइड स्प्रेड ग्रीन सी फ्राइटेंड हिम. तो लेज से वो भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ लेकिन बीच में खाई को देखकर और उसके आसपास बहुत वाइड स्प्रेड ग्रीन सी हरे रंग के पानी को देखकर वो घबरा जाता है और वापस हो जाता है और रुक जाता है. मतलब कहने का ये है कि ये यंग सीगल की कहानी है जिसमें वो उड़ना नहीं जानता, उड़ना सीख रहा होता है लेकिन वो डरता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. उसकी फैमिली कंटिन्यूसली ट्राई करती है कि उसको उड़ना आ जाए और इसीलिए वो उसको एक लेज पे अकेले छोड़ देते हैं और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स भाई बहन और माता पिता सभी दूसरी साइड उड़ के चले जाते हैं. वो ट्राई करता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, थोड़ा भागता भी है लेकिन डर के मारे रुक जाता है. एंड ही रैन बैक इनटू हिज नेस्ट. और वो अपने घोंसले में अंदर घुस जाता है. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न्ड द आर्ट ऑफ फ्लाइट. मतलब उड़ने की कला उसके भाइयों बहनों ने पहले से ही सीख ली है लेकिन यंग सीगल को उड़ना नहीं आता. हिज पेरेंट्स केम अराउंड कॉलिंग टू हिम. मतलब उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं. श्रिली अपब्रेडिंग हिम मतलब श्रिल वॉइस होती है, तीखी आवाज़ जैसी चिड़िया की होती है. तो उस आवाज़ में वो उसे पुकारते हैं. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव और उसे धमकाते हैं कि वो उसे अकेले स्टाव करने के लिए मतलब भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा. तो ये स्ट्रिक्टनेस क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स? ताकि वो अपने बच्चे को मतलब यंग सीगल को इस कहानी में सिखा सकें कि वो आत्मनिर्भर बने, अपना शिकार खुद ढूंढ पाए. ही वॉज अलोन फॉर 24 आवर्स एंड एट नथिंग. मतलब ये कहा गया है कि सीगल 24 घंटे तक अकेला रहता है और कुछ नहीं खाता, उसे भूख लगती है. ही वॉज हंग्री. ही वॉन्टेड टू रीच हिज पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है बट देर वॉज अ वाइड गैप. तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पेरेंट्स के और यंग सीगल के बीच में एक गैप है, एक खाई है और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे सिरे पे पहुंच पाए विदाउट फ्लाइंग. एंड देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग देयर
without flying. He saw his brothers and sister who were flying and catching the fish. तो क्योंकि उसे भूख लगी है वो देखता है उसके भाई बहन उड़ते भी हैं और फिश भी कैच कर लेते हैं मतलब अपने लिए शिकार भी ढूंढ लेते हैं. He wanted to follow them, but fear stopped him. मतलब सीगल चाहता तो है कि वो अपने भाइयों बहनों की तरह उड़े लेकिन उसका जो डर है वो उसे हमेशा रोक देता है. He was extremely hungry. अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो रोता है अपनी मदर के सामने, cried begging to his mother for some food, कि वो उसे हमेशा की तरह खाना दे दे. But she did not respond. लेकिन यंग सीगल की माता रिस्पॉन्ड नहीं करती. The sight of fish in her beak maddened him. अब यंग सीगल की मदर जानती है कि उसे भूख लगी है तो वो क्या करती है, अपनी चोंच में फिश को लेती है और उसे दिखाती है. ऐसा देखकर यंग सीगल भूख के मारे पागल हो जाता है. द साइट ऑफ फिश इन हर बीक मैडेंड हिम. तो भूख के मारे यंग सीगल एकदम से फिश की तरफ भागता है और कूद पड़ता है. ही फेल डाउनवर्ड्स. अब वो खाई की तरफ गिरने लगता है. बट टू सेव हिमसेल्फ ही फ्लैप्ड हिज विंग्स. और खुद को गिरते हुए बचाने के लिए वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है. जैसा आप देख रहे हैं ये विंग्स फ्लैप कर रहा है. ऐसा करने से क्या होता है, हवा पे दबाव नीचे की तरफ पड़ता है और पक्षी उड़ पाता है. तो यंग सीगल की जो फैमिली का एक्सपेरिमेंट है कि उसे भूखा रखे और फिर उसे खाई के पार दूसरे सिरे पे छोड़ दें, वो काम करता है. और गिरते समय अपने आप को बचाने के लिए यंग सीगल अपने विंग्स फ्लैप करता है और ये उसकी पहली फ्लाइट होती है. तो ये कहानी है डर के ऊपर जीत हासिल करने की, और ऐसा सिर्फ प्रयास करने से हो सकता है. इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने डरों से ऊपर उठ सकें और ज़िंदगी में वो अचीव कर सकें जो हमारे लिए ज़रूरी है. हिज फर्स्ट फ्लाइट की ये समरी आपको बहुत काम आएगी हर उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है. ऑल द बेस्ट.